गुजरात के सोमनाथ सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से समतल करने की सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। बुलडोजर रात को भी चला, बुलडोजर दिन में भी चला, एक एक स्ट्रक्चर नाप नाप कर गिराया गया। ऑपरेशन कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाई कि अवैध अतिक्रमण को समतल करने के सोमनाथ में 58 बुलडोजर, 70 ट्रैक्टर, 4 हिताची, 2 हाइड्रा, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस मौके पर तैनात थी। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें बुलडोजर एक्शन को देखिए। ये गुजरात, यहाँ धर्म और मजहब की आड़ लेकर किसी भी अवैध निर्माण को वैध नहीं बनाया जा सकता। यहाँ बुलडोजर रूल्स रेगुलेशंस के ट्रैक पर ही चलता है और जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट इस ट्रैक पर आता है उसे साफ कर दिया जाता है। मजहब की आड़ लेकर बनाए गए इस अवैध ढांचे पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। एक बुलडोजर ने फ्रंट से काम शुरू किया, दूसरे बुलडोजर ने दाईं ओर से मोर्चा संभाला और तीसरा बुलडोजर परिसर के दूसरे अवैध स्ट्रक्चर को गिराने में जुट गया। पहले छत वाले अवैध ढांचे को गिराया गया, फिर पिलर पर प्रहार शुरू हुआ। एक्शन इतना फास्ट था कि चारों तरफ धूल का गुबार नजर आने लगा। प्रशासन का बुलडोजर यही नहीं रुका, अवैध अतिक्रमण की जद में एक और ढांचा आया। यहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट को गिराने के बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। अवैध ढांचा धर्म और मजहब की आड़ लेकर खड़ा किया गया था, ये सोचकर कि यहां कौन बुलडोजर लेकर आ पाएगा। बुलडोजर यहां देर से पहुंचा, लेकिन जब आया तो फुल एक्शन में दिखा। एक एक इंच अवैध निर्माण को बुलडोजर ने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन का एक्शन हुआ तो मुस्लिम मोहल्लों से रिएक्शन आना शुरू हो गया। सैकड़ों लोग विरोध के लिए बाहर निकल पड़े। रिएक्शन से एक्शन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी बुलडोजर की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा। सोमनाथ में बुलडोजर फुल फ्लैश मोड में चला। कुछ लोगों ने यहाँ पे इसी जगह पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे यस्टरडे नाइट को। हमने उनको पहले समझाया, उनके लीडर्स को भी समझाया, उसमें से काफ़ी लोग मान गए, लेकिन जो नहीं माने उसके सामने हमने बल प्रयोग भी किया हुआ है। और उसके बाद स्थिति हमारे कंट्रोल में है और अभी तक कोई इश्यू नहीं है। अभी 1400 पुलिस फोर्स तैनात है, होमगार्ड GRD भी एक्स्ट्रा में है और हम लोग अभी जिस सुबह से जिस टाइप का बंदोबस्त है अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक 150 के करीब लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट किया हुआ है। इस दौरान 14 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए। प्रशासन का दावा है कि ये सभी ढांचे सरकारी जमीन पर खड़े किए गए थे। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की शुक्रवार रात से ही तैयारी शुरू हो गई। साजो सामान और दल बल के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद अगले कुछ पलों में बुलडोजर गरजने लगा, फिर एक एक अवैध स्ट्रक्चर पर एक साथ कई सारे बुलडोजर्स का अटैक हुआ। इस अवैध ढांचे को गिराने के कितने बुलडोजर हैं आप बस गिनते जाएं। पहला बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पिछले कई सालों से सोमनाथ के इस भाग में अवैध निर्माण की प्रक्रिया जारी थी, जिसको हटाने के लिए कई बार सरकार द्वारा नोटिसेस दिए गए इन इलीगल ऑक्यूपेंट्स को, लेकिन उनके द्वारा इसकी हमेशा अवमानना की जाती रही।